इसी को चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर बोलती हैं, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, आगे 40 किलोमीटर दूर इस पे लिफ्ट लगी हुई है। ऐसा नहर पे कहीं देखने के लिए नहीं मिला है। और एक सबसे बुरी बात, हमारी बाइक का टायर पंचर हो गया अभी। ये है 110 नंबर RD का हेड। लेकिन ये जो कंट्रोल रूम होता है, आपके पास भी जिज्ञासा होगी ना इसके अंदर क्या होता है, तो चलिए आज ना हम देख लेते हैं। 3 नंबर गेट को ऊपर करना होता है, तो इस हैंडल को घुमाना है। घुमाने के बाद में राजस्थान नहर परिक्रमा एपिसोड 12 में आपका यात्रियान के हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। परिक्रमा करते करते आपको बहुत सारी चीजें दिखाएंगे, कुंभाराम लिफ्ट नहर दिखाएंगे और लखवाली हेड के बाद में जो हेड आने वाला है वो हेड दिखाएंगे। बस एंड तक वीडियो को देखते रहिए। इधर इस पुल को क्रॉस करके आई है, पुल का वीडियो आपने देखा ही है। और इधर देखो कैसा समुन्द्र और झील जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। हालांकि ये पानी तो सेम वाला ही है, बाकी कुछ बरसाती पानी इकट्ठा हुआ है। कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। चलो आप ना इसे भी ना ड्रोन के साथ ही देखो ऊपर। ओके, बाकी ये देखो हमारी इंदिरा गांधी नहर शांति के साथ बह रही है। जितना ही खूबसूरत नीचे से दिखता है ना, उतना ही खूबसूरत ऊपर से दिखता है। बहुत आपने देख लिया। और वो सामने उस पुल के नीचे मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, पास चल के आपको दिखाता हूँ मैं। केलियां कितनी भर गई इस पुल पे। और इधर वाले पुल का भी यही हाल है, मतलब कि कुछ टाइम के बाद में ये केलियां यहाँ पे जमा होके, आपको मैंने पीछे वीडियो दिखाया था ना अबूब शहर वाला, वैसा ही हाल यहाँ पे हो जाएगा। और ये पुल देखो, इस पुल पे ना पानी भी खड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। उधर से वाहन भी आ रहे हैं, दिखाई दिया होगा पानी। मतलब पुल पे पानी खड़ने से क्या होता है ना कि रोड खराब होती है और पुल क्षतिग्रस्त जल्दी होता है। खेता वाली आई थिंक इधर की साइड खेता वाली गाँव है, इधर की तरफ गाँव है खिदासरी। ये RD है 99 RD। बाकी सामने देखोगे ना तो टीले ही टीले नजर आ रहे हैं सामने। इधर की तरफ ना खेदासरी गांव है। पंजाब से हम आ रहे हैं और हमें आज तक ना ऐसा नहर पे कहीं देखने के लिए नहीं मिला है। मतलब ये पाइपें लगी हुई हैं। अब ये पाइपें किस लिए है, थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। इधर की साइड अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ नीचे क्वार्टर बने हुए हैं और उधर की साइड से यहाँ पे मतलब कि जो अपने सीएम का पानी है वो पानी है, और यहाँ से पानी यहाँ आता है और इन पाइपों के माध्यम से अपनी नहर के अंदर डाल दिया जाता है, इंदिरा गांधी नहर के अंदर। अब कैसे डालते होंगे, हो सकता है कि फिल्टर वगैरह करके डालते होंगे, वो हमें नहीं पता है। बाकी जो भी जानकारी थी हमने आपको बता दी है। अब मैं आपको ना कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जैसा आपने कभी नहीं देखा हुआ। इंदिरा गांधी नहर का देखो कितना गोल मोड़ है यहाँ पे, और इंदिरा गांधी नहर हमारी टीलों के अंदर प्रवेश कर रही है। देखो मेरे साइड में कितने बड़े बड़े टीले हैं, उधर की साइड टीले हैं, इधर की साइड टीले हैं। इस लोकेशन पे अगर ड्रोन से अगर आपको नहीं दिखाया तो फिर क्या दिखाया। चलो कैमरामैन बंद करो अपना कैमरा और ड्रोन उड़ाओ। यहाँ पे ना नहर का पानी हवा के साथ मिलके एक अलग ही साउंड बना रहा है, सुन सकते हो आप उसे। वो सामने वहां से गुजर रही है इंदिरा गांधी नहर, और उससे ये नहर अलग होती है वितरिका, और इसका नाम है, सामने लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ये नाम चौधरी कुंभाराम आर्य जलोत्थान नहर। ये रेगुलेटर मतलब हेड बना हुआ है, सिर्फ दो ही गेट है। यहाँ पे ना बहुत मिट्टी भरी हुई है और यहाँ पे देखो केलियां कितनी है। चलो थोड़ा हेड को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे ये जो कंट्रोल रूम होता है इसके अंदर तो कोई नहीं है, और वहां पे उधर ना एक जेसीबी खड़ी है पुरानी, पता नहीं कितने टाइम की, वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा एक्साइटमेंट है मुझे। ये जो हेड है ना, मेरे को लगता है इसके ना कलर कर दिया गया है। बाकी देखो कितनी बड़ी बड़ी पाइपें लगा के इसे सुरक्षित किया गया है। गेट नीचे किए हुए हैं, पानी थोड़ा कम छोड़ रहे हैं आगे। हेड को आप अंदर से देख सकते हो,
कुछ इस प्रकार से, ये तो बिल्कुल बंद पड़ा है और ये थोड़ा ऊपर है, इसके अंदर पानी निकल रहा है, इधर से आके और इधर की तरफ जा रही है। कौन सी नहर है ये, नाम तो नहीं भूले ना, कौन सी नहर है? चौधरी कुंभाराम आर्य जलोस्थान नहर, इसी को चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर बोलती हैं। लेकिन यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट लगी हुई है यहाँ से लेके आगे 40 किलोमीटर दूर इस पे लिफ्ट लगी हुई है। हम इधर की साइड से आए थे और वहाँ पे ना बहुत सारे क्वार्टर हैं, हालांकि वो सुन नहीं पड़े, उनके अंदर कोई नहीं रहता है। इस पे ना नया ही कलर किया गया, देखो ये बोर्ड वगैरह पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ डिटेल वगैरह। वो जेसीबी खड़ी है ना उसके पास चलते हैं और देखते हैं कि वो कब की खड़ी है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे सामने पैमाना भी दिया गया है जस्ट इस हेड के बगल में। मैंने आपको बताया नहीं, ये 108 आरडीपी है, ठीक है, मतलब कि मिस्तावली हेड पे आरडी जीरो हो जाती है, उसके बाद में आरडी शुरू होती है दोबारा से और पीछे पंजाब के अंदर अलग आरडी है, ठीक है। और ये आगे हम इस क्रेन के पास, इसके नीचे तो डॉगी सोया हुआ है। नहीं ये ज्यादा पुरानी नहीं है, मेरे को ऐसा लगा था कि ये बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन ये तो शायद लगभग 10-15 दिनों की यहाँ पे छोड़ी हुई है। लेकिन ये लंबी देखो कितनी है, देखो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से लेकर और वो देखो वहां तक, आई थिंक मेरे को ना लगता है ये लंबी बनाई गई, देखो यहाँ से कट करके। इस लोकेशन को आपने देख लिया, अभी इसके बाद में जस्ट थोड़ी ही दूरी पे एक और हेड है, उस साइड में चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। भूख लग गई यार, खाना खाना है। कैमरामैन भूख लग गई है क्या? आज नया कैमरामैन है और इससे हम सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे कैमरामैन घर वाले ही कैमरामैन है, तो कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा साथ में, लेकिन आपके लिए वीडियो जरूर आएगी। हफ्ते से पहले पहले वीडियो लाने की हम पूरी कोशिश किया करेंगे, गर्मी भी आज। तो ये दो चिड़िया जो बैठी हुई है ना, देखो सामने दिखाई दे रही है क्या उस पाइप पे, वो अभी ना हमारी बाइक पे बैठी हुई थी। यहाँ पे एक नारियल पड़ा है और नारियल को देख के ना मुझे एक बात याद आ गई। हम जब बचपन में इंदिरा गांधी नहर के, मतलब हमारा गांव करीब ही है, तो वहाँ पे हम लकड़ी वगैरह लेने जाया करते थे। एक दिन हम नारियल निकाल रहे थे तो हम बहुत मशक्कत कर रहे थे, जैसे कि ऐसे ईंट डालो मतलब नारियल के उधर की साइड, वो नारियल थोड़ा इधर सरक जाता है, और वैसे ही फिर वहाँ पे ना एक तिराक आए और तिराक ने डुबकी लगाई और एक मिनट में लाके नारियल दे दिया कि ये लो। ऐसे अमेजिंग एक्सपीरियंस थे हमारे कि इस नहर के अंदर में बताया था ना आपको मिट्टी है, वो मिट्टी यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रही है ना उधर की साइड, वहाँ पे मिट्टी जमा हो गई, इस मिट्टी को निकाला नहीं गया है। और एक सबसे बुरी बात, हमारी बाइक का टायर पंचर हो गया अभी। ये है 110 नंबर आरडी का हेड, वहाँ पे कंट्रोल रूम है। ये हेड भी ना 2018 के अंदर नया बन के तैयार हुआ था। यहाँ पे 5 गेट है, ये देखो कितने मस्त बनाए गए है ना, ये गेट पूरा ऊपर उठाया हुआ है। और इधर की साइड देखो पानी का बहाव ना बहुत ही तेज है। साउंड आ रहा है क्या पानी का? कितना मस्त साउंड आ रहा है ना। अभी ये जो भाई साहब है ना इधर वाले, वो यहाँ के इंचार्ज हैं, मतलब वो यहाँ के हेड को कंट्रोल करते हैं। देखो उधर से ये नहर कितनी चौड़ी है, यहाँ तक है यहाँ तक, और इसको पतला करके और ये हेड देखो कहाँ पे बनाए गए हैं, है ना, देख लो आप इस हेड को, मस्त हेड बना हुआ है ना। वो हमारा कैमरामैन ड्रोन लेके खड़ा है, चलो फिर ड्रोन से ही दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे ना, यहाँ से आगे ना इसकी रीलाइनिंग नहीं हुई, मतलब यहाँ तक इसकी रीलाइनिंग की गई है। हेड को हमने एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन ये जो कंट्रोल रूम होता है, आपके पास भी जिज्ञासा होगी ना इसके अंदर क्या होता है, तो चलिए आज ना हम देख ही लेते हैं, हमें परमिशन मिल चुकी है इसके अंदर देखने की। सो यहाँ पे एंट्रेंस गेट है, ये रेस्ट रूम है, जो यहाँ के इंचार्ज है वो यहाँ पे रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पे इधर इन्वर्टर वगैरह हैं, मतलब जो हेड अगर लाइट ना हो ना, तो ये इन्वर्टर ही उन हेड के गेट को ऊपर नीचे करता है। बाकी अब हम चलते हैं ऊपर सीढ़ियों से, यहाँ पे एक छतरी पड़ी है ऐसी हमारे पास भी है। और इसके अलावा इधर ऊपर भी हम और जा सकते हैं, इधर ऊपर भी है, लेकिन मेन कंट्रोल रूम ये है। आप देख सकते हो वो जो हेड है ना, वो यहाँ से साफ साफ दिखाई देता है। ये जो इंचार्ज हैं यहाँ के, वो इस मशीन के द्वारा हेड को कंट्रोल करते हैं। मतलब यहाँ पे 5 गेट लगे हुए हैं, ये 5 गेटों के ये 5 सिंबल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहीं से ये कंट्रोल होता है।
अच्छा, इसके माध्यम से मतलब पूरा सिस्टम है उसे जनरेटर पे और लाइट भी करने के लिए है ये। अभी लाइट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज ओवर गेट के लिए, तो ये है यहाँ पे पांच गेट हैं, पांच, जैसे कि एक गेट के लिए है ये, दो नंबर गेट के लिए, तीन नंबर गेट के लिए ये, चार और पांच, इस तरीके से है ये। अब जैसे कि इस तीन नंबर गेट को ऊपर करना होता है तो इस हैंडल को घुमाना है, घुमाने के बाद में और ये जो ग्रीन बटन है ये दबाते हैं तो ये जो तीन नंबर गेट है वो ऊपर होना शुरू हो जाता है, यहीं से उस गेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे स्काडा बोलते हैं और ये दिखाता है कि पानी कितने क्यूशक अभी चल रहा है, ऐसी मशीन इसीलिए होती है। बाकी अभी हम देख सकते हैं कितना है, अच्छा अभी फिलहाल बंद है वरना हम आपको दिखा भी देते कि इस टाइम पानी कितना क्यूशक चल रहा है। चलो अभी हम ऊपर चल के भी देख लेते हैं। ये लो जी, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हैं कंट्रोल रूम के। अच्छा, ये पानी का जो भी सिस्टम होता है उसे ऑनलाइन करने के लिए होती है। बाकी यहाँ पे सोलर प्लेट लगी हुई है और यहाँ से भी पूरा हेड अच्छे तरीके से दिखाई देता है, मतलब कि जो भी यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे संतलाल जी इंचार्ज हैं तो यहाँ का पूरा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है और ये इधर खोडा गांव से हैं। थैंक यू जी। तो अब बताओ मुझे आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई आज की वीडियो के अंदर जो कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आज हम देख पाएंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करना है, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो यात्री एनके को, क्योंकि हम तो आपको पूरी नहर दिखाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।